बड़े फ़ख्र के साथ कहा जाता है, जी मैं अमेरिका जा रही हूँ, मैं यूरोप जा रही हूँ, मैं लंदन जा रही हूँ, लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो रियलाइज़ होता है कि पूरा पूरा दिन अकेले अपने बच्चे को देखना कितना मुश्किल होता है। हम बड़ी बुराइयाँ करते हैं ना कि सांस इतनी बुरी होती है, सांस ही होती है, कम से कम 10 मिनट के लिए आप उसके पास छोड़ के किचन में जाके कोई काम तो कर सकते हो ना, और इनफैक्ट जाके वॉशरूम में नहा तो सकते हो। बाहर के मुल्क की ज़िंदगी लड़कियों के लिए इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लड़के तो फिर भी अपने काम पर चले जाते हैं, जॉब पे चल जाते हैं, लेकिन पीछे जो लड़कियां बचती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। अगर सबसे मुश्किल तरीन काम ना बच्चे पालना है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल तरीन काम बच्चे वो भी दूसरे मुल्क में पालना, जहाँ पे आपके पास कोई भी नहीं है, बस एक सपोर्टिव हस्बैंड, उसके अलावा कोई नहीं। अब सपोर्टिव हस्बैंड को घर पर बिठा के रखें या वो बाहर जाएगा और कमाएगा, इतनी मुश्किल जिंदगी, पता नहीं अल्लाह मैं क्यों चूज कर लिया मुझे इतनी मुश्किल जिंदगी के लिए, मेरे से तो नहीं गुजारी जा रही, मैंने नहीं रहना यहाँ पे। किसी लड़की को अगर आपने कोई बद्दुआ देनी है ना, तो उसको ये करें, अल्लाह करे तुम्हारी शादी हो और तुम किसी बाहर के मुल्क में चले। अंदर की आज मेरी फीलिंग्स है जो ट्रू मैंने आप सबको बताई है, यूरोप की जिंदगी इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, क्योंकि यहाँ पे कोई देसी कम्युनिटी नहीं नजर आती, कोई देसी खाना नहीं मिलता, बहुत ही घटिया ज़िंदगी है यहाँ पे। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं एक जेल में हूँ, ज़्यादा से पैसे मेरे पास, और मेरे पास सिर्फ अपने 2 बच्चे और एक शोहर और बस, और अगर मैं बाहर निकलूँगी तो बहुत ज़्यादा स्नो होगी, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, और मेरी एक बेटी है वो बहुत ज़्यादा रोएगी। इतनी गंदी ज़िंदगी है यहाँ पे, मेरा बिल्कुल भी यार रहने को दिल नहीं करता, मैं तंग आ गई हूँ यहाँ से। मे भी फैमिली प्रेशर में आके मुझे ये वीडियो डिलीट करनी पड़े, लेकिन एट द एंड मेरी जस्ट आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को, स्पेशली अपनी लड़कियों को कभी भी बाहर के मुल्क में शादियां ना करें, उनको अपने आप से इतना दूर ना करें, क्योंकि इंसान की बहुत छोटी ज़िंदगी है। मुझे ये लगता है कि हमें अपने रिश्तेदार के पास रहना चाहिए।